जम्मू के सीमावर्ती पुंछ जिले की प्रसन्नजीत कौर ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा में पूरे देश में 11वां रैंक हासिल करके साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मंजिल पर नजर हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पुंछ ऐसा जिला है जहां सीमा पार से पाकिस्तान घुसपैठ, आतंकवादी हमलों जैसी घटनाएं आए दिन होती है। ऐसे तनावपूर्ण क्षेत्र में रहते हुए भी प्रसन्नजीत कौर की एकाग्रता प्रभावित नहीं हुई और उसने पूरी एकाग्रता के साथ आईएएस परीक्षा न केवल पास की बल्कि पूरे देश में 11वां रैंक हासिल किया। प्रसन्नजीत कौर ने पिछले साल केएस की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसका लक्ष्य एक आईएएस अधिकारी बनना था। प्रसन्नजीत कौर के पिता निर्मल सिंह स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट है। निर्मल सिंह बताते हैं कि पुंछ में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और कोई अच्छा कोचिंग सेंटर भी नहीं था, लेकिन प्रसन्नजीत कौर ने खुद से पढ़ाई की और कड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया जिसका आज सबको गर्व है। आप बता नहीं सकते विदाउट कोचिंग इतना बड़ा अच्छा रैंक रहना, बहुत खुशी है जी। तो परिवार में इस वक्त कितनी खुशी की लहर दौड़ रही है? पूरा परिवार इकट्ठा है, दादा है, नानके सब है यहाँ पर। सर अमूमन देखा जाए पहले बेटियों को इतनी प्लेटफॉर्म या इतनी परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि बेटियां बेटियों के मुकाबले जो सबसे ज्यादा आगे फील्ड में निकल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बेटी बेटियों को फर्क नहीं है, आपने स्कूटी किसने पर नाम में सोला, अगर दो बेटी है हमें कुछ कोई फर्क नहीं होना, बेटा लेकिन बेटियों को अच्छे जी। तो क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे आदर्श के लिए? अभी लोगों को बेटियों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और लोग कम जी। तो कितनी मेहनत की आपने अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए, खास करके आपकी बेटी ने जो काफी मेहनत की है जिसका आज मेहनत रंग लाई है, क्या बेटी ने सपोर्ट किया हम बता नहीं करते, इसको कोई शब्द में बयान नहीं कर सकते। वो सपोर्ट जो है जो 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 उसने मांगा वो तो हमारा फर्ज है, जो हमने बहुत मेहनत की। तो है नहीं, बहुत परेशानी